इंदौर जिले के बेटमा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी हो गया है, वहीं इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ गई। पीथमपुर फैक्ट्री से काम करके अपनी मोटरसाइकिल से 2 युवक अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच ग्राम सिलोटिया के समीप नाला पार करने में दोनों बह गए, जिसमें से एक युवक को बचा लिया गया और एक का पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरे को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। सुनील पिता गिरधारी 20 वर्ष राजपुरा और संतोष पिता जगदीश 21 वर्ष राजपुरा जिला इंदौर अपने गांव से लौट रहे थे, तभी नाले में अधिक पानी होने से दोनों मोटरसाइकिल सहित उसमें बह गए। संतोष तो जैसे तैसे पानी से निकल कर बाहर आ गया, लेकिन उसका मित्र सुनील का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं मोटरसाइकिल तो कुछ दूरी पर मिल गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भैया यहाँ पर एक आदमी जो है नाले में गिर गया है, उसको ढूंढ रहे हैं लोग। कैसे गिर गया? ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे कंपनी से, तो ये सुबह सुबह जो है पानी ज़्यादा था, ध्यान रखा नहीं उन्होंने कि पानी कम है कि ज़्यादा है, और वो नाले के अंदर चले गए। मोटरसाइकिल सही दोनों गिर गए? दोनों चले गए। अच्छा, तो घटना सुबह आपदा प्रबंधन कार्यालय से फोन आया था कि यहाँ पे गांव में 2 लड़के मोटरसाइकिल से पुलिया को क्रॉस कर रहे थे। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से मोटरसाइकिल सहित दोनों नीचे गिर गए पानी में। एक लड़का संतोष नाम का, जिसको बचा लिया गया है, और एक लड़का सुनील, वो और मोटरसाइकिल, वो अभी तक मिले नहीं है। रेस्क्यू टीम कार्य कर रही है, और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, पानी गंदा होने की वजह से बहुत ज़्यादा, और झाग होने की वजह से ऊपर से पानी में उतर के रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए बिलाई द्वारा ढूंढा जा रहा है, बिलाई द्वारा रेस्क्यू करा जा रहा है। जो भी होगी और आगे आपको एक आध घंटे में।